एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी स्टडीज कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर किससे मिलके बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मैटर का, ठीक है। जैसे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉलिक्यूल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है एटम। जो एटम होता है क्या उसकी खुद की शेप होती है, क्या वो एक दूसरे से वेरी कैसे करता है एक एटम दूसरे एटम से, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है हमारे चारों ओर जो भी चीजें होती है ना, हमारे चारों ओर चीजें, तो उनकी खुद की शेप साइज वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो एटम है जो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ना उसको काट सकते हैं ना उसको मिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसकी खुद की शेप होती है, हर चीज की शेप होती है तो उसकी भी शेप होगी। जैसे कि साइंस है, रिसर्च का नाम है, डेवलपमेंट होती जा रही है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, नए नए डिस्कवरी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब एटम के बारे में पता नहीं था तो फर्स्ट तो डिस्कवर हो गया कि एटम तो होता ही है, बट एटम होता कैसे है, उसकी शेप क्या हुई, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च की गई। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एटम है क्या, उसकी शेप कैसी है, उसका क्या उसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है, एक इतना स्मॉल पार्टिकल है उसके अंदर भी और चीजें है या नहीं है, तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत इजी हो जाएगा चीजों को करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हर चीज कहीं से तो राइज करती है, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर तो बना, मैं डिस्कवर करने की बात सोची उन्होंने, पर पहले डिस्कवर तो हुआ होगा ना एटम। तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है जो एटम्स है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचा, डिस्कवरी करने की सोचा, तो सबसे पहले ये तो पता लगाया उन्हें कि एटम क्या होता है। तो किसने पता लगाया, एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कर्णाद, उन्होंने एटम को देखा कि एटम क्या है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, तो उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, ठीक है, परमाणु नाम दे दिया। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया स्मॉलेस्ट यूनिट किसका, किसी भी एलिमेंट का, एटम नाम दिया, ठीक है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, नाम दे दिया उन्होंने। क्यों, एटम का ग्रीक में वर्ड होता है एटोमियो, जिसका मन है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, ठीक है। एटम क्या है, पता था कि कटेबल नहीं है, इससे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बन सकता, तो इसको यही नाम दे दिया एटम, ठीक है, जो अब आज तक सभी जानते हैं कि एटम के ही नाम से जाना जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसका, एलिमेंट का। तो फिर डेवलपमेंट हुई तो एक थ्योरी निकली जो कि है आपकी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसने डिस्कवर किया डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इन्होंने देखो नाम से ही पता लग रहा है, पहले जब भी कोई आप डिस्कस करते हो तो फर्स्ट आप नाम देखो, फिर देखो कि उसमें से आपको क्या क्या आता है, ठीक है, नाम में क्या छुपा हुआ है। किसी भी चीज का नाम होता है जो, वो उसका हेडिंग होता है, मतलब कि नाम में ही पूरा कंसेप्ट छुपा होता है, ठीक है। तो जैसे कि डॉल्टन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एटॉमिक थ्योरी दी। थ्योरी होती है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है कि हाँ ये हमेशा फॉलो होगी। तो इन्होंने बोला कि जो एटम है उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इतना एटम है जो दिखता भी नहीं है, इसमें भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। कौन कौन से, तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके बेस पे एटम वेरी करता है एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। अब ये डिस्कवरी होगी, फिर अब पता लगा ये तो है, बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसने बताया, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया और न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया, इनका मास क्या है, चार्ज क्या है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए इनको डिस्कवर करने के लिए, वो सब कुछ आज हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हर चीज डिस्कवर होती है, किसी ना किसी ने तो की है, तो डिस्कवरी किसकी करनी है हमने, पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो पता था, किसी भी जो मैटर है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे माइकल फैराडे,
उन्होंने स्टडी किया कि जो मैटर है ठीक है उसमें सॉल्यूशन है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो डिपोजिशन होती है। तो उन्होंने चार्ज के बारे में तो पता लगाया, उनका लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ फैराडे, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि चार्ज तो होता है मैटर में, ठीक है, बट कौन कौन सा चार्ज होते हैं, कैसा चार्ज होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे डिस्कवर हुआ, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ आपका, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड रे। ठीक है, और किसने दिया था ये दिया था आपका जे.जे. थॉमसन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, किसने की, जे.जे. थॉमसन ने। ठीक है, तो फिर ये तो पता लग गया, ठीक है, जे.जे. थॉमसन ने की। इन्होंने क्या किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इन्होंने एक ट्यूब ली जिसमें इन्होंने ना कैथोड रे पास करवाई। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है वो एमिट करती है, किस पे एमिट करती है, हाई वोल्टेज, ठीक है, और क्या चाहिए उसके लिए, एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो इस चीज को नोटिस करने के लिए, अब डिस्कवरी है, अब क्या पता किस पे कैसे वर्क करेगा, तो वैसे ही पहले तो कोई पता नहीं लगा कि कैसे हुआ, तो उन्होंने पहले देखा हाई वोल्टेज देखी, फिर उन्होंने नॉर्मल प्रेशर दिया था, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई ग्लोइंग नहीं हुआ। फिर सेकंड उन्होंने किया कि उन्होंने क्या किया, हाई प्रेशर दिया, हाई वोल्टेज दी और लो प्रेशर दिया, जैसे कि लो प्रेशर दिया 10^-2 तक। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लो की ट्यूब, ठीक है, उसे पता लग गया कि जो मूव कर रही है रेज वो कैथोड टू एनोड कर रही है। ठीक है, जब उन्होंने और प्रेशर दिया और हाई दिया 10^4, तो उन्होंने देखा कि ग्लोइंग क्या है, कम होगी, तो जो ग्लोइंग है जैसे कि ट्यूब की वो कैसी है, 10^-2 के ऊपर ही है, तो इसकी कंडीशन क्या रखी गई कि हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। अगर इस कंडीशन को चेंज किया जाए तो कुछ और हो जाएगा, जैसे कि लो प्रेशर और दिया तो वो उसकी ग्लोइंग कम होगी, और जो कलर ग्लो करता है वो वेरी करता है गैसेस टू, जो जो गैस है उसके ऊपर वेरी करेगा। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि कैथोड रे किस पे ग्लो करेगी, कैसे ग्लो करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेचर कैसे है कैथोड रे का, कैसे किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है अभी हमें, नेचर ऑफ कैथोड रे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये एक्सपेरिमेंट है आपका डिस्कवरी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अब कर रहे हैं हम नेचर ऑफ कैथोड रे। ठीक है, इसमें क्या है, क्या नेचर है, फर्स्ट कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जैसे कि अब इस पिक्चर में देख रहे हो कैसे है, स्ट्रेट है। ठीक है, कहां से कहां जा रही है, कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये पता लग गया, से पता लगा, जैसे कि उन्होंने व्हील रखा था बीच में तो वो फ्लो करी। ठीक है, तो फ्लो करने के बाद क्या हुआ, उसकी शैडो दूसरी साइड पड़ी, जिससे पता लग गया कि जो रेज है वो कैथोड टू एनोड फ्लो की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है, जो रेज होती है ना वो फ्लोरसेंस बिहेव करती है, जैसे कि लाइट स्ट्राइक की, तो वो ना जरूरी नहीं कि वहां पे बिहेव करेगी, एक स्क्रीन होगी उस पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं, जैसे कि जिसमें लाइट डले तो स्क्रीन दिखती है, जैसे कि आप टीवी देखते हो, टीवी में जो आप स्क्रीन देखते हो, पिक्चर देख लेते हो, तो वो किसका रिफ्लेक्ट है, फ्लोरोसेंस का। ठीक है, तो ये बिहेव करती है फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फोरोसेंट। ठीक है, ये पता लग गया। अब थर्ड पॉइंट, क्या मैकेनिकल बिहेव करती है कैथोड रे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कवरी हुई। ठीक, जो कैथोड रे है वो कैसे बिहेव करती है, मैकेनिकल, कैसे प्रूफ हुआ। ठीक है, वो प्रूफ हुआ, इन्होंने एक वी लगाया, देखो पिक्चर में देख रहे हो क्लियर है कि वी लगाया, जैसे कि रे पास कराई तो वो मूव करा, तो ये कैसे बिहेव करती है, मैकेनिकल भी बिहेव करती है। फिर नेक्स्ट हम समझ आ गया, जो कैथोड रे है उसमें मैकेनिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसमें, कैथोड रे में। यस, कैसे, अब
साइंस है डिस्कवरी के साथ ही होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे बिहेव करेगा, देखो पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज। जब कैथोड रे पास करवाई, देखो पिक्चर में क्लियर हो रहा है ना, कैथोड रे पास करवाई तो वो मूव किया पॉजिटिव साइड को, ठीक है, क्योंकि जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज ही है और वो पॉजिटिव साइड को बिहेव किया, ठीक है। अब ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? यस, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कि इसमें क्या लगाया, मैग्नेट लगाया गया, मैग्नेट लगाया गया तो वो कैसे मूव किया, वो नॉर्थ साइड को मूव किया, ठीक है। तो इससे ये भी पता लग गया जो कैथोड रे है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये चीज पता लग गया, आगे क्या पता लगा, हमें पता लगा कि जो का जैसे कि कैथोड रे है किस पे स्ट्राइक किया जाएगा तो ये क्या शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट, क्या शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है जैसे कि डिस्कवरी है, बहुत सारी डिस्कवरी की, तो जैसे कि अब लाइट इफेक्ट देता है, ठीक है, ये क्या देगा, एक्सरे इफेक्ट देगा, ठीक है। एक्सरे में क्या होगा, जब इसको स्ट्राइक किया जाएगा कैथोड रे को किसी मेटल के ऊपर तो वो एक्सरे छोड़ेगा, ठीक है। ये भी समझ आ गया, जो कैथोड रे बिहेव करती है एक्सरे, जैसे टंगस्टन वगैरह पे आप स्ट्राइक करवाओगे कैथोड रे को तो वो एक्सरे इफेक्ट देगा। फिर आगे क्या बोला, जब ये है लाइट इफेक्ट देगा, ठीक है, लाइट ग्लो करेगी, आप टीवी वगैरह देखते हो, ये इसी मेथड से यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया कि जो कैथोड रे है उनमें क्या क्या इफेक्ट है और क्या क्या शो कर रहा है। इस सबसे पता लगा जो कैथोड रे है इसको नाम दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अभी हम इतने देर से कर रहे हैं कि चार्ज कौन सा है कैथोड रे का, नेगेटिव, तो इसको लिखते हो आप से नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कैथोड रे हो गया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसका मास और चार्ज क्या है, क्या ये सेम है सबके केस में, ठीक है। तो अब हम करते हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज क्या है एंड मास क्या है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कैसे डिस्कवर करेंगे, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आता है आपका क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे करोगे, देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने। तो उन्होंने देखा कि जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है, अगर फ्लो करवाया जाए किसी भी चीज को, तो जैसे कि कैथोड रे पास करवाई किसी से तो वो क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, जैसे पिक्चर में दिखा गया ए पॉइंट को होगी या बी पॉइंट को होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रखा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी डाला, उसको बैलेंस किया। हमें पता है कि बैलेंस कितना जरूरी है किसी भी चीज में, ठीक है, तो उसको बैलेंस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रेस थी वो स्ट्रेट मूव करी, ठीक है। फ्लोरोसेंस ट्यूब है ना, जिससे पता लगा कि ये स्ट्रेट मूव करी है, प्रॉपरली सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डाला तो क्या होगा कि वो ऊपर को भी मूव कर सकती है, नीचे को भी मूव कर सकती है। हमने पढ़ा था ना कि जो कैथोड रे है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक भी बिहेव करती है और मैग्नेटिक भी बिहेव करती है, तो उसको बैलेंस कर दिया ताकि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट मूव करे, ठीक है। अब ये तो पता लग गया, अब चार्ज कैसे निकला, ठीक है, तो चार्ज आ गया आपका ई रेशियो एम, ठीक है। तो क्या बना, 1.75588820 × 10⁻¹⁵ कूलम पर केजी, ठीक है। ये क्या आ गया आपका चार्ज, ये क्या आ गया मास, कितनी वैल्यू आई, 1.78820 × 10⁻¹⁵ कूलम पर केजी, ठीक है। इससे क्या हो गया, हमें चार्ज डिटरमाइन हो गया, ठीक है। अब मास कैसे डिटरमाइन किया, अब हर चीज है वो एक्सपेरिमेंटली हुई ना, तो डिटरमाइन माई मास ऑफ किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, कैसे निकाले, किसने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया आर ए मिलिकन ने, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, कितने में किया था? 1909 में, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया? जैसे कि पिक्चर में आपको क्लियरली शो हो रहा है, ऑयल ड्रॉप ली, उसको बैलेंस किया, और क्या किया आपने? टेलीस्कोप की मदद से आप उसको चेक कर रहे हो कि कैसे वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? बहुत स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। फिर क्या डिस्कवर हुआ? फिर उन्होंने चार्ज निकाला। कैसे निकाला मास इसका? मास किसका है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जो चार्ज है, चार्ज एंड मास, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब अपॉन, क्या निकाला था? E अपॉन m की रेशियो, 1.758820 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब पर केजी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या निकाला है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना है? 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी आपकी 9.1094 × 10⁻³⁻³, और क्या है जी? क्योंकि कूलम कूलम कट गया, ठीक है। तो ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना है? बहुत कम वैल्यू है। किसके? हाइड्रोजन के कंपेयर में ये 1/1A7 वैल्यू है, ठीक है। इतनी कम वैल्यू है कंपेयर टू हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पता लग गया, इसका चार्ज पता लग गया। चार्ज क्या है? 1.6022, एंड जो ईएम चार्ज और मास की रेशियो है वो 1.75। अगर पूछ लिया जाता है कई बार कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो मास क्या आ गया? 9.1094 × 10⁻³⁹ kg। अब पता लग गया किसने डिस्कवर किया था? जे.जे. थॉमसन ने। क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल है किसका? एटम का। और कैसा चार्ज होगा इसमें? नेगेटिव चार्ज। अब एक सब एटॉमिक तो डिस्कवर हो गया, फिर नेक्स्ट क्या है? हमने पढ़ा था नेक्स्ट क्या आता है आपका? प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? कैसे हुआ? इसका चार्ज क्या है, ठीक है? तो उसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या करना है अभी हमने? स्टडी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। किसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए ई गोल्डस्टीन। कितने में किया? 1836 में डिस्कवर किया गया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या बोला है, कैसे डिस्कवर किया? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ट्यूब ली, उसमें पास करवाई गई रेस। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये रेस है ये अपोजिट है किसके? जो हमने पहले की थी कैथोड रे के। तो इसको नाम दिया गया एनोड, क्योंकि ये अपोजिट है ना, अपोजिट साइड से मूव हुई, तो वो था नेगेटिव चार्ज। ये था कैसे इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट साइड को है। और क्या बोला गया इसको? एनोड रे, ठीक है। अब एनोड रे क्या होती है, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। देखो अब ऑब्जर्व किया गया, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक क्या है कैथोड रे के। अब इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ठीक है, किसके? एनोड रे। एनोड रे क्या है? अपोजिट है किसके? कैथोड रे के। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई? जैसे कैथोड रे थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पास करवाया गया, तो ऑब्जर्व किया गया जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हुए कि वो स्ट्रेट मूव किए, क्योंकि वही व्हील वाला किया गया, उसकी शैडो पड़ी उससे शो हो गया कि ये क्या है, स्ट्रेट मूव करती है। जैसे कि आपकी कैथोड रे थी, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व किया गया ये अपोजिट मूव कर रही है, वो पॉजिटिव साइड को मूव कर रही थी, ये नेगेटिव साइड को मूव कर रही है, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे ये पता लग गया। फिर वैसे उसका चार्ज है जैसे कि E अपॉन m, वो डिपेंड करेगा गैस पे, ठीक है, कौन सी गैस है, ठीक है। अब इसका चार्ज देखते हैं क्या है।
ठीक है, तो इसका आ गया 9.58 × 10⁻¹ पर केजी। ठीक है, ईएम अपॉन निकल गया, जो चार्ज आपका कैथोड रे का था, इलेक्ट्रॉन्स का था, उतना ही क्या है आपका प्रोटॉन्स का है, तो कितना चार्ज है आपका 1.6022 × 10⁻¹⁻ कूलम्ब। ठीक है, ये वैल्यू है चार्ज के। अब मास निकालोगे, जैसे हमने किसका निकाला था इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही हम इसका चार्ज निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, कैसे निकालते हैं चार्ज, देखो चार्ज अपॉन ओपन है, तो क्या वैल्यू है 1.6022 × 10⁻¹⁷ कूलम। ठीक है, अब ई अपॉन एम की वैल्यू भरो, कितनी आई थी 9.58 × 10⁻¹⁷ कूलम पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। ठीक है, ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आई, ये क्या अपने के बराबर है 1837 ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट चार्ज ऑफ ए हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटॉन पता लग गया, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसका मास आ गया 1.67 × 10⁻²⁷ और चार्ज कितना है 1.6022 × 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी, रेडियो एक्टिव होता क्या है। ठीक है, रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी की थी हेनरी बेकवेल ने, कितने में की थी 1896 में। कैसे डिस्कवरी हुई, जिसे वो साइंटिस्ट हैं रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने यूरेनियम सेल लिया था, उसको रैप किया था किसी पेपर में, उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट थी उसमें उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि जब लाइट पड़ रही थी बिना लाइट के वो क्या होगा, डार्कन कलर का हो गया, कैसे, तो इससे ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो कुछ सब्सटेंस है वो एमिशन करते हैं लाइट की, जो सब्सटेंस एमिशन करते हैं लाइट की उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पेट पे स्ट्राइक किया तो उसमें रेज निकली, कौन कौन सी, अल्फा रेज निकली। ठीक है, अल्फा रेज, ठीक है, जो कैसी थी पॉजिटिव चार्ज की। सेकेंड क्या निकली, बीटा रेज। ठीक है, पिक्चर में देख रहे हो ना क्लियरली, बीटा रेज क्या थी, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एक और रेज निकली गामा रेज, जो क्या है न्यूट्रल। ठीक है, नो पॉजिटिव चार्ज नो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेज एमिट करते हैं, कौन सी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो किसने दी थी, हेनरी बेकवेल ने। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं जो कंटिन्यूअस एमिट करते हैं रेडिएशन। ठीक है, वो आ गया आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया ना कि क्या है। अब एटम्स के में क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, अब वो कैसे एडजस्ट होते हैं किसी में भी, कैसे वो स्ट्रक्चर है पता है, रूम में आपको सामान रखना है, माना कुर्सी टेबल रखना है, तो आप अरेंज तो करोगे ना, कैसे अरेंज करनी है कोई चीज, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज है आपके किस में, एटम में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।